दोस्तों, बॉलीवुड और टीवी जगत को अलविदा कहने के बाद 20 नवंबर 2020 को बिजनेसमैन मुफ्ती अनस से शादी करकर सुर्खियों का हिस्सा रही सना खान अब एक बार फिर चर्चाओं में आ चुके हैं। जहां शादी के बाद सना खान बीते सोमवार यानी 8 दिसंबर को शादी के बाद अपने हनीमून के लिए कश्मीर रवाना हुए, जिसकी जानकारी सना खान ने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से दी है। जिसके बाद से ही सना खान कश्मीर के लिए रवाना होने से लेकर कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाते हुए अपनी हर एक तस्वीरें और वीडियोस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरीज पर शेयर करती हैं। जिसकी एक तस्वीर में सना खान ने शौहर और बेगम चले कैप्शन लिखा है, तो वहीं उन्होंने कई तस्वीरें अपने होटल रूम से भी शेयर की है, जिसे देखकर लगता है ये जिस होटल में ठहरे हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और खूबसूरत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। सना खान एक एक्सपेंसिव होटल में ठहरी हुई है, जिसका नाम अभी तक तो इन दोनों ने बताया नहीं है, लेकिन इसे देखकर ही एक 5-स्टार होटल लग रहा है। और आप जब ये दोनों इतने महंगे होटल में ठहरे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। साथ ही इस होटल के रूम में आपको कई खूबसूरत और एक्सपेंसिव जिसे देखने को मिलती हैं, साथ ही रूम को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं इसमें इस्तेमाल किए गए खूबसूरत पर्दे और लाइटिंग। पर जितना खूबसूरत ये होटल अंदर से नजर आ रहा है, उतना ही ज्यादा खूबसूरत इसका बाहरी नजारा है, जहां बालकनी के सामने काफी हरियाली है, जिसे देखते ही कश्मीर की तारीफ करे बिना आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि सना खान भी अपना ज्यादातर वक्त यही का खूबसूरत नजारा लेती हुई बताते हैं, जो इनके द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो साफ जाहिर कर रहा है, जिसमें ये होटल की बालकनी में बैठी हुई है, सामने का व्यू देख रहा है। इस दौरान सना कहती हैं, यहाँ बहुत ठंड है। तब तक अनस सना के वीडियो के बीच में आ जाते हैं और यही बात दोहराते हैं, जिसे सुनकर सना जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर लग रहा है ये शौहर और बेगम अपने हनीमून और क्वालिटी टाइम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सना खान और उनके पति की इन खूबसूरत तस्वीरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसे तमाम नए अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।